दिल्ली में कोरोना से भी तेज फैल रहा H3N2 संक्रमण, डॉक्टर ने दी मास्क लगाने की सलाह। दिल्ली इन दिनों इन्फ्लुएंजा ए H3N2 वायरस के संक्रमण की चपेट में है। हर घर में लोग खांसी, गले में खराश व दर्द से परेशान हो रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि यह वायरस कोरोना से भी तेज फैल रहा है। राहत की बात यह है कि ज्यादातर मरीजों में इसका संक्रमण त्रस्तन तंत्र के ऊपरी हिस्से तक सीमित रहता है। बहुत कम मरीजों को फेफड़े में संक्रमण होता है, इसलिए यह ज्यादा जानलेवा नहीं है। फिर भी संक्रमण से बचाव के लिए सफदरगंज अस्पताल OPD में डॉक्टरों, कर्मचारियों व मरीजों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य करेगा। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर BL शेरवाल ने कहा कि मंगलवार को आदेश जारी हो जाएगा, इसलिए OPD में हर किसी को मास्क पहनना पड़ेगा। डॉक्टर शेरवाल ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने अलर्ट भी जारी किया है। इसका संक्रमण कोरोना से भी तेजी से फैल रहा है और खांसी 3 सप्ताह तक रह रही है। इसके मद्देनजर अस्पताल में फ्लू क्लिनिक भी शुरू किया गया है। लोकनायक अस्पताल के इमरजेंसी की प्रभारी डॉक्टर रितु सक्सेना ने बताया कि H3N2 के संक्रमण के कारण इमरजेंसी में मरीज थोड़े बड़े हैं। बुजुर्गों व बच्चों को परेशानी अधिक हो रही है, खासतौर पर जिन्हें पहले से मधुमेह, अस्थमा, सांस की बीमारी है, उन्हें समस्या अधिक हो रही है। कुछ मरीजों को ICU में भर्ती करने की जरूरत भी पड़ रही है। युवाओं को ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन कुछ लोगों को खांसी लंबे समय तक रह रही है। सफदरगंज अस्पताल के पल्मोनरी मेडिसिन के विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज गुप्ता ने कहा कि इसके संक्रमण से बुखार, डायरिया, मिचली, उल्टी आदि की समस्या देखी जा रही है। बुखार 2 से 3 दिन में ठीक हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों में खांसी 3 सप्ताह तक चल रही है। रात में सोते समय परेशानी अधिक होती है, गला सूखने पर खांसी अधिक आती है, इसलिए पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें और गले को तर, इससे खांसी कम आएगी। खुद से एंटीबायोटिक या कोई दवा नहीं ले।